तो इस क्वेश्चन में क्या है, इसको अच्छे से आप समझने की कोशिश करना, और थोड़ा सा ग्राफिकल क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके चलो, तो इसमें है क्या, ठीक है, इसको हम पहले देख लेते हैं। सो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, दैट अ पेंटर इज मिक्सिंग कलर्स फॉर पेंटिंग अ हाउस। ओके चलो ठीक है। एंड ही हैज थ्री कंटेनर्स, विथ कंटेनर वन हैविंग येलो कलर, कंटेनर टू हैविंग रेड कलर, ठीक है, एंड कंटेनर थ्री के बारे में नहीं बताया। ही टेक्स 1/3 फ्रॉम कंटेनर वन एंड 2/3 फ्रॉम कंटेनर टू एंड पोर्स इट इन कंटेनर थ्री। तो आई थिंक कंटेनर थ्री इज एम टी। ओके सो वी हैव थ्री कंटेनर्स एंड नेक्स्ट ही पोर्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ कंटेनर थ्री टू कंटेनर टू अगेन। ओके सो वट इज द परसेंटेज ऑफ येलो कलर इन कंटेनर टू, इफ नाउ 1/6 ऑफ द येलो कलर इज एडेड टू कंटेनर टू, देन वट विल बी द परसेंटेज ऑफ रेड कलर इन इट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, क्योंकि वी हैव टू फाइंड अगेन परसेंटेज, वी कैन टेक एनी वैल्यू। ओके तो हम लोग कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं। तो पहले मैं, लेट मी ड्रॉ थ्री कंटेनर्स फॉर यू, ठीक है, तीन कंटेनर्स बनाना चाहूँगा। सो वी हैव थ्री कंटेनर्स, ओके इस तरीके से। ओके वी हैव थ्री कंटेनर्स, ओके, और सो कंटेनर वन, सो दिस इज कंटेनर वन, दिस इज कंटेनर टू एंड दिस इज कंटेनर थ्री, ठीक है। कंटेनर वन हैविंग येलो कलर, ठीक है, तो इसमें येलो कलर है, तो इस तरीके से मैं दिखाता हूँ। सपोज इतना इसमें येलो कलर है, ठीक है, दिस मच ऑफ येलो कलर। ओके एंड कंटेनर टू हैविंग रेड कलर, ठीक है, कंटेनर टू हैविंग रेड कलर। ओके तो सपोज इतना इसमें रेड है, ओके ठीक है, सो दिस मच इज फाइन। ओके चलो, नाउ ही टेक्स 1/3 फ्रॉम कंटेनर वन। तो आप पहले कुछ डिसाइड कर लीजिए, ठीक है, तीन कंटेनर्स हैं और तीनों कंटेनर्स में थोड़े थोड़े कलर्स हैं, वो आप अकॉर्डिंगली ले सकते हैं एज यू विश। मैं यहाँ पर 60 लीटर्स ले लेता हूँ, 60 लीटर्स हैं, इसमें भी 60 लीटर है, ठीक है। 60 लीटर इज नॉट द कंप्लीट कैपेसिटी, 60 लीटर येलो कलर है अभी और 60 लीटर रेड कलर है अभी, ठीक है। मैं अभी पूरी कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी कैपेसिटी आप ये मानो कि जो जो डब्बा है वो 500 लीटर का है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, थोड़े थोड़े कलर्स हैं। अब आपने क्या करा, ठीक है, यू हैव टेकन 1/3 फ्रॉम कंटेनर वन, तो 1/3 ऑफ कंटेनर वन विल बी हाउ मच, ठीक है। सबसे पहले आपने इसका जो 1/3 हिस्सा है, 1/3 ऑफ 60 विल बी हाउ मच, 20 लीटर। दैट 20 लीटर येलो यू हैव पुट फ्रॉम, यू हैव टेकन फ्रॉम कंटेनर वन एंड 2/3, एंड 2/3 फ्रॉम कंटेनर टू, ठीक है, इस कंटेनर से 2/3 ऑफ अगेन 60 लीटर, ठीक है, सो इट विल गोइंग टू बी 40 लीटर, ठीक है। तो 40 लीटर और 20 लीटर आपने स्पेसिफिकली अलग अलग कलर्स लिए, एंड यू हैव पुट ऑल दिस कलर्स, यू हैव पुट ऑल दिस कलर्स, ठीक है, इन कंटेनर थ्री। तो कंटेनर थ्री में इस तरीके से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, इसमें जो इसमें 40, इसमें जो 40 लीटर है वो रेड है, और थोड़ा सा वी हैव येलो ऑल्सो, ठीक है, और 20 लीटर हमारा येलो भी है, वी हैव येलो ऑल्सो अराउंड 20 लीटर्स, ठीक है, इस तरीके से। ओके चलो, तो इसका मतलब अब इसमें कितना हो चुका है आपका जो 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 कैपेसिटी है, ठीक है, सो इसमें जो येलो है दैट इज़ नथिंग बट 20 लीटर, और जो रेड है दैट इज़ नथिंग बट 40 लीटर। तो ये इसमें टोटल अभी कितना कलर हो चुका है, टोटल इसमें भी अब 60 लीटर, ठीक है, 60 लीटर आ चुका है। इसमें कितना बचा है पहले वाले पे, पहले वाले पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, पहले वाले पे अब कितना बचा है, क्योंकि 20 लीटर वी हैव टेकन, 20 लीटर वी हैव टेकन, तो इसमें अब बचा है 40 लीटर, ठीक है, और 60 लीटर में से वी हैव टेकन 40 लीटर, तो हियर 20 लीटर इज रिमेनिंग, ठीक है। ओके चलो, अब ये समझ में आ रहा है, दिस मच इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हाँ इतना क्लियर है,
आई एम बिजी बिजी इन द क्वेश्चन, आई एम बिजी इन सॉल्विंग. ठीक है ओके. तो अब क्या करना है, नाउ व्हाट इज गिवन. अच्छा नेक्स्ट, ही पोर्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ कंटेनर थ्री टू कंटेनर टू, द होल मिक्सचर ऑफ कंटेनर थ्री. अभी कंटेनर थ्री को उठा के इसने कंटेनर टू में डाल दिया है. ठीक है, नाउ ही पोर्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ कंटेनर थ्री टू कंटेनर टू. ये थ्री को पूरा उठा के उसने टू पे डाल दिया. ठीक है, सो टू में ऑलरेडी 20 लीटर तो क्या है, 20 लीटर उसमें रेड है. ठीक है, तो अगर मैं कंटेनर टू की बात करूँ, ठीक है, अभी जो कंटेनर टू की बात कर रहा हूँ, उस कंटेनर टू में 20 लीटर तो क्या है, रेड है. ठीक है, अगर मैं इसमें अब क्या पोर करूँगा, थर्ड कंटेनर का सारा कलर पोर करूँगा, तो इसमें एडिशनल 20 लीटर, मैं स्पेसिफिक कलर से लिखता हूँ. ठीक है, अब इसमें 20 लीटर क्या आ जाएगा, 20 लीटर इसमें आ जाएगा येलो, और 40 लीटर आ जाएगा इसमें रेड. ठीक है, 40 लीटर रेड का मतलब है ऑलरेडी 20 था, 40 और आ जाएगा तो 60 लीटर रेड हो जाएगा. ठीक है, 60 लीटर रेड हो जाएगा, तो इसको मैं 60 लिख लेता हूँ डायरेक्टली. आई होप आपको ये समझ में आया, क्योंकि मैंने कंटेनर थ्री को उठाकर पूरा कंटेनर टू पे डाल दिया है. तो स्पेसिफिक देखूँ, अगर उसमें टोटल अब कितना हो चुका है, अब इसमें टोटल हो चुका है 80 लीटर, 80 लीटर पेंट हो चुका है, जिसमें स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो 60 लीटर रेड है और 20 लीटर येलो है. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द येलो कलर इन कंटेनर टू. तो येलो कलर की परसेंटेज निकालनी है आपने, आउट ऑफ टोटल निकालोगे येलो कलर की परसेंटेज. सो दैट येलो कलर इज 20 लीटर, आउट ऑफ टोटल इज 80. ठीक है, इंटू 100 करोगे तो यू विल गेट द आंसर. ओके, आ रहा है समझ में. अब आपको क्या निकालना है, सी अल्टीमेटली जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो ये है, उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, दिस वन. ठीक है, टोटल जो मेरा कंटेनर टू है उसमें 80 लीटर है. अब कलर आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ येलो इन कंटेनर टू. ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ येलो इन कंटेनर टू विल गोइंग टू बी ना वेरी इजी, परसेंटेज ऑफ येलो इन कंटेनर टू विल बी गोइंग टू बी कंटेनर टू में, सिर्फ अगर आप येलो कलर देखोगे. ठीक है, अगर आप कंटेनर टू में येलो कलर देखोगे तो कंटेनर टू में येलो कितना है, 20 लीटर्स अपॉन टोटल कितना है, टोटल है 80 लीटर्स, इंटू 100 करो. ठीक है, ठीक है, सो 24 एंड 4, 25%. सो 25% इज द येलो कलर इन कंटेनर टू. ठीक है, अब क्या पूछा हुआ, नाउ नाउ व्हाट हैव आस्क्ड, उसके अलावा क्या पूछा हुआ, इफ नाउ 1/6 ऑफ द येलो कलर इज एडेड टू कंटेनर टू. अब क्या बोला हुआ, इफ नाउ 1/6 ऑफ द येलो कलर इज एडेड टू कंटेनर टू. अब 1/6 ऑफ द येलो कलर, अगर आप पहला वाला कंटेनर देखोगे तो ये येलो कलर का कंटेनर है जिसमें अब सिर्फ 40 लीटर्स बचा हुआ है. अगर आप उसका 1/6 लोगे एंड दैट विल गोइंग टू एड टू कंटेनर टू, नाउ देन वट विल बी द परसेंटेज ऑफ रेड कलर इन इट. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या आ रहा है. सेकेंड कंडीशन देखो, इफ नाउ 1/6 ऑफ द येलो कलर, अब येलो कलर कितना बचा है, स्पेसिफिकली अगर मैं येलो कलर की बात करूँ जो कंटेनर वन में है, येलो कलर इसमें कितना बचा हुआ है, 40 लीटर्स. ओके, क्योंकि 20 लीटर आपने ऑलरेडी पहले लिया था, 40 लीटर्स बचा है. ठीक है, सो नाउ कंटेनर वन इज लेफ्ट विथ, कंटेनर वन जो कि येलो कलर का है, इट इज लेफ्ट विथ 40 लीटर्स ऑफ येलो कलर. ठीक है, इस 40 लीटर का भी, ठीक है, इस 40 लीटर का भी अब आपको 1/6 लेना है कंटेनर टू में ऐड करने के लिए. ठीक है, तो पहले मैं 1/6 ले लेता हूँ इसका. ठीक है, सो इट्स 1/6 विल बी, सो 1/6 इंटू 40 लीटर विल बी, देखो फ्रैक्शन में आया ना, तो दिस विल गोइंग टू बी 20/3 लीटर्स. ये फ्रैक्शन हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा सा टफ बनाएगा. ठीक है, इट विल गोइंग टू बी 20/3 लीटर्स. ये जो 20/3 लीटर्स है, ये कौन सा कलर है, इट इज येलो. दिस येलो कलर अगेन यू हैव टू ऐड, किस में ऐड करना है, कंटेनर टू में. कंटेनर टू में जब आप ऐड करोगे दिस येलो, ठीक है, तो ये आपको अब इसमें रेड कलर का परसेंटेज निकालना है. तो ये क्या करेगा, अब सीधा मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, सो देयर फॉर रेड कलर परसेंटेज इन इन कंटेनर टू, इन कंटेनर टू विल गोइंग टू बी रेड, रेड कलर कंटेनर टू में जितना है अपॉन टोटल जितना कलर है, इंटू 100 करेंगे. ठीक है, तो कंटेनर टू में रेड कलर कितना है, कंटेनर टू में रेड कलर है 60 लीटर्स. ओके, क्योंकि अब हम रेड तो ऐड नहीं कर रहे, रेड तो 60 है, टोटल 80 लीटर है अभी कंटेनर टू में, जिसमें
कि 60 लीटर रेड है और 20 लीटर येलो है जो हमने कैलकुलेट किया था। अभी तक मैंने इसमें येलो कलर ऐड नहीं करा, तो अब ऐड करूंगा। तो जब मैं येलो कलर ऐड करूंगा तो रेड का कंटेंट तो उतना ही रहेगा 60 लीटर, सो इट विल गोइंग टू बी 60। ऊपर नीचे कितना आ जाएगा, टोटल में कितना जाएगा, टोटल में 80 लीटर है। 80 लीटर तो है, लेकिन प्लस ये जो 2 बाई 20 बाई 3 लीटर जो मैं ला रहा हूँ एडिशनल, ये भी टोटल में अब ऐड हो जाएगा। इन टू 100 करोगे तो यू विल गेट योर आंसर इन परसेंटेज। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, तो फिर अब हमें सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, तो 60 अपॉन 80 प्लस 20 बाई 3 इंटू 100, इस तरीके से है कैलकुलेशन। ठीक है, 60 अपॉन 80 प्लस 20 बाई 3 इंटू 100। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, विल गेट अर आंसर, विल गेट द परसेंटेज ऑफ रेड कलर एज वेल। सो दिस विल गोइंग टू बी 60 इंटू 3 अपॉन, ठीक है, एलसीएम लेकर ये अपॉन 1 लोगे तो दिस विल बी 240 प्लस 20, दिस विल गोइंग टू बी 260 इंटू 100। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल, 2 5 ज़ा 2 13 ज़ा। ओके, सो इट विल गोइंग टू बी हाउ मच, 15 18 5 ज़ा। ठीक है, सो ये आ गया न्यूमरेटर में 60 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 13, तो ये कितना आ गया। ओके, ये 15 6 ये आ गया 900 अपॉन 13%। ओके, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। सो दिस इज नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ रेड कलर, इट इज नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ रेड कलर इन कंटेनर टू, इन कंटेनर टू। ठीक है, आफ्टर एडिंग 20 बाई 3 ऑफ येलो कलर, ऑफ येलो फ्रॉम कंटेनर वन। ठीक है, सो दिस इज द परसेंटेज। तो पहला 25% आया और दूसरा 900 अपॉन 13% आया। सो दिस इज क्लियर, इतना सभी को समझ में आया। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज नॉट टफ, ऐसा टफ नहीं है, लैंग्वेज को समझना है, जो कह रहा है वैसा करना है। ठीक है,